मैं पूछता हूँ कि शंकर जी हैं कहाँ पले, तो बताओ ये कैसे जान गए भाई कि मैं इस पत्थर पर दूध गिरा रहा हूँ, जल गिरा रहा हूँ, बेल पत्र चढ़ा रहा हूँ। शंकर जी प्रसन्न हो रहे हैं। मंदिरों में एक मुख्य पुजारी बैठा होता टीका मटीका लगा के कि मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। वही एक मुख्य पुजारी पूरा यहाँ कड़ा लगाता कि यहाँ गधे कितनी है पशु की, जो शिवलिंग होता है उस पर पूरा जाऊर गिरा के दूध का मेवात का मुनक्का का गरी का अब बना के उसी पर गिरा के पूरा उसको मल रहे हैं और वहाँ कैमरा लगा हुआ है, सब देख रहे हैं। मैंने तो देखा तो मैं कहा कि इन मूर्खों को क्या कहा जाए, ये गधे अगर इस खीर को गरीब को खिला देते जो बाहर मंदिर के बैठा हुआ चारा भूखा भिखारी है, ये खिला देते उसकी आत्मा ठंडा हो जाती, लेकिन ये मूर्ख उस पत्थर पर गिरा करके उसको पूरा रगड़ रहे हैं और इस देश में कैमरा पर देखने वाले गधे जितनी है वो प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह देखा हुआ शंकर जी के लिंग पर मार जाओ रगड़ जाती। आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर्वप्रथम सर हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आदर जय। सर मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये है कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है और जल चढ़ाने का तात्पर्य क्या होता है सर, आप बताइए सर हमारे समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं क्या बताऊँ, आप लोगों को मना कर चुका हूँ कि इस चीज पर बहस मत कराया करिए क्योंकि ये चीज बेबुनियाद है सब जी। इस पर मूर्ख ही बहस करते हैं। इंसान जो व्यक्ति थोड़ा भी विद्वान होगा इन बातों पर बहस नहीं कर सर सकता। जल जल की बात नहीं है, दूध भी चढ़ाया जाता है सर। अरे यार मूर्खों के पास सींग नहीं होती जी। मूर्ख जो होते हैं ये नहीं है कि ये मूर्ख आ रहा है देखो इसको सींग जामी है जी जी। मूर्खों के पास सींग नहीं होती, मूर्ख विचार से मूर्ख होते हैं जी, समझे कि नहीं। अब ऊपर एक दिन हम देखे शिवलिंग पर पूरा दूध का चावल डाल के उसमें जाऊर बना के उसमें मेवात वात डाल के उस पर पिंडिया पर छीप सब छोप रहे थे जी, आ छोप के पूरा होके मल्लत जी जी ऐसे जी। जो शिवलिंग होता है जी उस पर पूरा जाऊर गिरा के दूध का मेवात का मुनक्का का गरी का अब बना के उसी पर गिरा के पूरा उसको मल रहे हैं और वहाँ कैमरा लगा हुआ है, सब देख रहे हैं। मैंने तो देखा तो मैं कहा कि इन मूर्खों को क्या कहा जाए, ये गधे अगर इस खीर को गरीब को खिला देते जो बाहर मंदिर के बैठा हुआ बेचारा भूखा भिखारी है ये खिला देते उसकी आत्मा ठंडा हो जाती, लेकिन ये मूर्ख उस पत्थर पर गिरा करके उसको पूरा रगड़ रहे हैं और इस देश में कैमरा पर देखने वाले गधे जितनी है वो प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह देखा हुआ शंकर जी के लिंग पर मार जाओ रगड़ जाती है जी। इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी की जरूरत नहीं है। शिव जी के लिंग पर जो जल चढ़ता है जी, जल चढ़ाने वाले जी सभी लोग हो सकते हैं, लेकिन दूध चढ़ाने वाले सबसे ज्यादा उसमें यादव होते हैं जी, समझ गए ना आप जी। तो वहां सिर्फ एक देखते हैं कि मंदिरों में एक मुख्य पुजारी होता है जी, मंदिरों में एक मुख्य पुजारी बैठा होता टीका मटीका लगा के कि मंदिर का मुख्य पुजारी हूं, वही एक मुख्य पुजारी पूरा यहाँ कड़ा लगाता कि यहाँ गधे कितनी है पशु कितनी जी, सबसे ज्यादा उस पिंडी पर दूध गिराने वाले यादव समाज के लोगों को भांपता है कि ये देखिए ये सब पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी इनको पता नहीं है, ये दूध किसी गरीब को अभी कह देंगे पिलाने के लिए तो ये नहीं पिलाएंगे, लेकिन आस्था के नाम पर इस पत्थर पर आके गिरा रहे हैं और ये दूध सब नाली में हर 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 बह रहा है जी। ये सब आस्था को जिंदा रखने के लिए व्यक्ति को किसी हद से गुजार देते हैं जी। बहुत सारी परंपराएं ऐसी आज भी ये सब जिंदा रखे हैं कि मैं इस चैनल पर सीधे सीधा नहीं कह सकता जी। पूछ दिया जा लोगों से इसका मतलब क्या है जी। अब लोग कहते हैं अरे वो इस शिवलिंग पर दूध चढ़ौले से शंकर जी प्रसन्न होना जी। मैं पूछता हूँ कि शंकर जी हैं कहाँ पले, तो बताओ ये कैसे जान गए भाई कि मैं इस पत्थर पर दूध गिरा रहा हूँ, जल गिरा रहा हूँ, बेल पत्र चढ़ा रहा हूँ, शंकर जी प्रसन्न हो रहे हैं, ये कैसे पता चला तुम्हें, पहले ये तो बताओ कैसे इसका आभास कर रहे हो कि शंकर जी प्रसन्न हो गए।
क्या बुखार आया था उतर गया, पाका हुआ था ठीक हो गया, कैंसर हुआ था दूध चढ़ाने से सही हो गया, कैसे जान गए कि शंकर जी प्रसन्न हुए? दूध तुम्हारा, जल तुम्हारा, किराया भाड़ा तुम्हारा, यार जाके चढ़ा दिए, लंगड़ के लंगड़ ही रह गए, अंधे के अंधे ही रह गए, शुगर हुआ है तो शुगर ही बढ़ गया, कम नहीं हुआ, हार्ट का मरीज हो तुम्हारा हार्ट भी नहीं ठीक हुआ, सब कुछ जब ऐसे है तो वो करने से कैसे महसूस किए कि शंकर जी खुश हो गए? वो इसलिए कहता है कि पंडित जी लोगों ने बताया, बेलपात चढ़ेबा, दूध चढ़ेबा, घी चढ़ेबा, ऊपर जाऊ चढ़ेबा, तो शंकर जी तुम्हारी पर खुश हुई है, तुम्हारे हर कष्ट का निवारण करे। जी सर, अधिकतर औरतें ही सर जल चढ़ाती हैं और दूध चढ़ाती हैं सर, तो सबसे ज्यादा जी इस अंधविश्वास को औरतें ही बिचारी ढोती हैं, क्योंकि औरतें बड़ी कोमल हृदय की, मैं आदर सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये तर्क पर सबसे ज्यादा ये महिलाओं को टारगेट करते हैं। जी, महिला अगर जिस चीज को ढोएगी, जी जी, आदमी उसको छोड़ा नहीं पाएगा। जी, महिला आस्था के नाम पर 24 घंटा जल भी मुंह में नहीं रखती है। जी, अब छठ आ जा, 3 दिन भूख खाएगी, पानी तक ना पी, अरे छठ मैया नाराज नहीं, छठ मैया आई कहाँ, कुछ पता नहीं, कैसे जान गए लोग, पंडित जी बतावो तर। अब जुतिया आ जा, 24 घंटा एकदम अन्न जल सब त्याग देंगे, अरे शिवा माई नाराज उठी हैं तो हमारा लड़का मर जाए, शिवा माई हई कहाँ, केकर बिटिया कहाँ, उनका घर कह लैकन के मरल जी ले आई, कुछ पता नहीं, पंडित जी बतौले हम, बीमारी का जड़ सबसे बड़ा यही जी, महिलाओं को आस्थावान बनाओ, महिलन के आस्थावान बनी ले रहो तो 70% मर्दन के पूछ के सही कह दे रहे। जी जी, तनिको दहीने बाएं चलिए तो उनका लगे चुरकिया उखा रहे, गरबा चौथ आ गई है साड़ी मांगत है इतना तुम्हारे समझ में आवत है, जी 2-4 हजार खर्च है तुम्हार व्रत थी है। जी, लेकिन पूछता कि तू तब मर्दे का व्रत करत हो कि मर्द बेचारा जियत है, मर्दा से पूछा कि वो कितना व्रत तुहार करा लग तू जियत, एक खाती पंडित जी ना बतौले, ये बदले जानत हो कि मर्द करा वाले नाम मेहरारून बेचारे इनके कह देबा तो जरूर करी। जी, तो आस्था का एक केंद्र इन लोगों ने महिलाओं को भी बनाया और बड़ी मजबूती से बनाया। जी, ये जैसे जुतिया का त्योहार है, करवा चौथ का त्योहार है, छठ का त्योहार है, जी इसको इन लोगों ने कैमरा से पूरा शूट करते हैं, इसका दूसरे दिन है जी, या छठ खत्म होने दूसरे दिन कर आकलन होला। जी, इसको करने वाले थोड़ा जानते हैं, हम जानते हैं, इसका आकलन करते हैं कि पूरे भारत में कितनी लोगों ने छठ मनाया, जी कितनी महिलाएं, पता चला 5 करोड़। तब वो कहते हैं पिछले साल से इस बार थोड़ा ज्यादा हो, 5 करोड़ महिलाएं पढ़ी लिखी अगर मूर्ख है यहां तो भी ब्राह्मणवाद को कोई छू नहीं। कुंभ में कितना भीड़ लगल, लाखों लोगों ने कुंभ में डुबकियां लगाया, पाप धोया, पूरे कुंभ में 1 करोड़ से ज्यादा लोग आए, फिर उन बैठ करके उनका गुड़ा गणित शुरू हो जाता। पिछले साल तो 1.5 करोड़ आए थे, इस बार ठंडी ज्यादा थी, कुछ कम लोग थे, लेकिन फिर भी ठीक है, अभी करोड़ों हमारे नाम पर गंगा में जाके डुबकी मार रहे हैं, पाप काट रहे हैं, तो अभी यहाँ ब्राह्मणों कोई छूने वाला नहीं है, अभी बहुत दिनों तक यहाँ ब्राह्मण राज चलेगा, ये मूर्ख ऐसे पढ़ते लिखते रहे। जी, ये सारी चीजें हैं।